सो गाइस ये था मिनी गोवा, आपने देखा। अब हम यहाँ से रवानगी लेंगे और उसके बाद हम चलेंगे अब गांधी सागर डैम, तो वहाँ का भी कुछ व्यू दिखाएंगे आपको। ये हमारी सारी बाइक से खड़ी हुई है। गाइस मेरे सब्सक्राइबर है छोटे छोटे से, मेरे से मिलने की इच्छा कर रहे थे। तो गाइज ये था मिनी गोवा, आप देख सकते हो। और अब हम मिनी गोवा से निकल चुके हैं और अब हम जाएंगे गांधी सागर डैम। टाइम सो गाइज फाइनली हम अब निकल चुके हैं यहाँ से गांधी सागर डैम के लिए। गाइस जैसा कि अभी आपने देखा, जो मेरे छोटे छोटे सब्सक्राइबर थे उन्होंने मुझे पहचान लिया। भाई मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, कोटा से, और ये एमपी से है, बानपुरा। आपने सुना होगा मिनी गोवा बानपुरा में, ये मतलब बानपुरा जिला है। तो उन्होंने मेरे से पूछा आप मिर्ची राइडर हो, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने देखा यूट्यूब का मेरा चैनल का नाम लिखा हुआ, तो उन्होंने कहा कि एक बार हाथ मिला लो, मैंने कहा मिला लो। गाइस क्या खुशी मिलती है ना भाई, बच्चों का प्यार। तो गाइस अब हम यहाँ से गांधी सागर डैम चलेंगे, अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो, काफ़ी बढ़िया जगह है, काफ़ी बढ़िया जगह है ये। मतलब मैं कभी गोवा गया नहीं हूँ गाइस, मैंने अभी तक मोबाइल वगैरह में ही देखा है, लेकिन हाँ मुझे गोवा का फुल फील दिया है इस जगह ने। तो गाइस अब हम गांधी सागर डैम जा रहे हैं और गाइस व्यू देखो आपके सामने। अभी हम पता नहीं है कौन से रोड पर चल रहे हैं, अभी मालूम करते हैं हम कौन से रोड पर है। व्यू काफ़ी ख़तरनाक है गाइस, और शायद ये पूरा घाटी वाला इलाका लग रहा है मुझे, फॉरेस्ट एरिया है, काफ़ी बढ़िया है। ऐसा लग रहा है जैसे हम दरा के जंगल में चल रहे हो, जैसे कि दरा का जो एरिया है उसमें भी ऐसा ही व्यू आता है। और काफ़ी बढ़िया व्यू है, सब तरफ ग्रीनरी है। और ये भाई हमें जो गाइड कर रहे हैं, ये लोकल है, मैंने बताया था आपको बानपुरा के, तो इन्होंने कहा कि कोई शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, हमें याद नहीं था बानपुरा से हमें गांधी सागर किधर होके जाना पड़ेगा। तो ओ भाई चढ़ाई देख रहे हो आप, चढ़ाई गाइस काफ़ी डेंजरस रोड है यहाँ पे, आप देख सकते हो सिर्फ टर्न ही टर्न है, सीधा रोड नहीं है। हम यहाँ से मिनी गोवा गए थे, ये भाई जीटी निकल गई दर्राटे काटते हुए। रोड काफी बढ़िया है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इस बाइक चलाने, बहुत ज्यादा। ऐसा रोड अगर मिल जाए तो गाइस मजा ही आ जाए। खाली रोड अच्छा नहीं है, आप राइट साइड का व्यू देखो, मेरे जो लेफ्ट एंड राइट साइड है उसका व्यू देखो आप, कितना शानदार व्यू आ रहा है। ऐसे ही रोड की हमें तलाश थी और वो मिल चुका है, और काफी बढ़िया हम स्पीड में, बहुत जल्दी हमने टाइम कवर कर लिया है। हिंगलाज रिसोर्ट है ये, पता नहीं कहाँ है।
ऐसा नहीं है गाइज, हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे थे गांधी सागर डैम, लेकिन अब वो कुछ हिंगलाज द हिंगलाज रिसोर्ट के नाम से कोई जगह पर आए हैं हम। ओ भाई ऑफ रोड है, पूरा गिट्टी हो रही है, ध्यान से चलाना होगा। हमने गाड़ियाँ तो पार्किंग में लगा दिया, आप देख सकते हो काफ़ी रोला है हमारे साथ। और अब पता नहीं है हम कहाँ पर चलेंगे, ये कुछ गार्डन वगैरह बता रहे हैं, ये देख सकते हो आप, कुछ जगह का नाम है, पता नहीं ये क्या है, कोई गार्डन है, द हिंगलाज, द हिंगलाज रिसोर्ट। गाइस आप देख सकते हो ये हिंगलाज रिसोर्ट, यहाँ का टिकट घर है, यहाँ से टिकट कटाकर आप अगर कभी गांधी सागर डैम आते हो तो एक बार यहाँ पर भी आना, ये हिंगलाज रिसोर्ट के नाम से काफ़ी फेमस जगह है। और इसके अंदर का जो व्यू मैं आपको दिखाता हूँ काफ़ी बढ़िया है, वह इसको गार्डन टाइप में बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया जगह है, अगर आप कभी गांधी सागर डैम आते हो तो एक बार यहाँ पर भी विज़िट करना, काफ़ी बढ़िया जगह है ये। तो गाइस हमारा जो हिंगलाज रिसोर्ट आने का मेन रीज़न है वो है यहाँ का व्यू, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो व्यू है काफ़ी बढ़िया है, तो चलो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं आपके सामने, जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी गाइस वहाँ तक आपको पानी पानी दिखेगा, और ये मिनी गोवा के बिहाइंड वाला एरिया है, हमने ये सुना है यहाँ पर। आप कभी आओ तो यहाँ पर एक बार विजिट ज़रूर करना, सिर्फ 10 रुपये टिकट है, टिकट लेकर आप देख सकते हो यहाँ बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं, और काफ़ी बढ़िया जगह है, काफ़ी एक नंबर व्यू है। यहाँ का व्यू तो आपने देख लिया, अभी इससे भी ऊपर जा सकते हैं हम, वो आप देख सकते हो जो ऊपर बना हुआ है बालकनी टाइप, अब हम उसमें चल के और आपको और भी जो बढ़िया व्यू है वो दिखाएँगे। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया जगह है, हिंगलाज रिसोर्ट के नाम से, गांधी सागर डैम नियरेस्ट। ये देख सकते हो आप यहाँ से ऊपर से काफी बढ़िया सीन है यहाँ का। तो गाइस यहाँ का तो व्यू आप देख चुके हो, अब इसके बाद जो आपको स्टेप्स दिख रही है तो ये नीचे जाने का रास्ता है, तो अब हम नीचे भी चलेंगे, चलिए आपको नीचे भी चल के दिखाते हैं कैसा व्यू है क्या है। तो गाइस चलते हैं नीचे। अभी तक हम 70% स्टेप उतरे हैं और अभी तो बहुत सीढ़ियाँ बाकी है, तो चले चलते हैं, जैसा भी है जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हालत हमारी ख़राब आते वक्त होगी। जाने में तो हमारे को कुछ ज़्यादा थकावट नहीं हुई, लेकिन जाते टाइम हमें काफ़ी दिक्कत आने वाली है काफ़ी स्टेप से। गाइस अब मैं आपको जो दिखाऊंगा, हमारा आने का मकसद यहाँ सक्सेस हो जाए, ये आप देखिए आपके सामने, इधर अभी
सनसेट हो रहा है तो इस वजह से आपको साफ दिखेगा नहीं। मैं इस साइड का दिखाता हूँ, ये देखिए आप। अभी हम वहाँ पे और आपकी निगाह जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। सो गाइस अभी हम इस पर चले थे, आपने देखा था, तो मैं नीचे आ गया हूँ और आपको एक बार और समंदर दिखाता हूँ मैं। तो जो समंदर का व्यू है वो काफ़ी बढ़िया है। आपको अभी मैं पास जाकर आवाज़ सुनाऊंगा जब पत्थर से पानी टकरा रहा है तो कैसी आवाज़ आ रही है। और यहाँ पर बोटिंग भी हो रही है गाइस, आप अगर आप बोटिंग का शौक़ रखते हैं तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस जब पत्थर से पानी टकराता है तो कैसी आवाज़ आती है। ये देखिए लहरें आ रही है गाइस, लहरें ये देख सकते हैं आप, आपको आवाज़ आ रही होगी। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक सिर्फ आपको पानी ही पानी दिखेगा। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ बोटिंग भी हो रही है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं यहाँ बोटिंग भी हो रही है, आप अगर करना चाहो तो बोटिंग भी कर सकते हो। हिंगलाज रिसोर्ट काफ़ी बढ़िया जगह लगी मुझे तो गाइस, और फिर सबके अपनी अपनी पसंद है। काफ़ी बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। इसके आगे जाएंगे यहाँ पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ वाटर लेवल नापने के लिए कुछ मीटर जैसा लगा हुआ है और यहाँ हाफ जाली लगी हुई है और नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई है। और यहाँ से व्यू काफ़ी बढ़िया आ रहा है, मैं आपको कैमरा ऊपर करके दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस हम एकदम एंड में आ चुके हैं और काफ़ी बढ़िया व्यू है, आप अगर कभी आना चाहो तो आ सकते हो। और अभी हम वहाँ से ऊपर आप देख सकते हो वहाँ ऊपर, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अभी हमें इतनी सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर जाना है। अब गाइस सीन क्या है ना कि नीचे तो आना काफ़ी ईजी था लेकिन अब ऊपर चढ़ने में हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। खैर चलते हैं, अब आए हैं तो चलना भी पड़ेगा ही सरी। तो गाइस आने में तो हमें काफ़ी इजी रहा था लेकिन अब जाते टाइम हमें काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी है काफ़ी ज़्यादा। और मैं यहाँ से ही चलूँगा और आपको हर एक स्टेप काउंट करके बताऊँगा कि हम कितने स्टेप उतरे हैं और अब कितने स्टेप चढ़ेंगे। अभी ओनली 140 स्टेप चढ़े हम और हालत ख़राब हो चुकी है। अभी तो हम 100 का 10% भी नहीं चले। 397 स्टेप चढ़ के ऊपर आ चुके हैं। आप देख सकते हो हम कितने नीचे थे। अब हम यहाँ से हो सकता है हम यहाँ से गांधी सागर डैम जाए या हो भी सकता है हम यहाँ से कोटा जाए, क्योंकि टाइम अब बच नहीं रहा हमारे पास और हमें कोटा जाना है। तो देखते हैं आगे क्या सीन होता है। हाल फिलहाल अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। सो गाइस हिंगलाज से अब हम रवाना हो चुके हैं। ये हिंगलाज से अब हम रवानगी ले चुके हैं।